गण लोग ले गए द्वार की पर द्वाराचार के लिए। इधर मेरी मैया, माताओं ने समझाया बच्चों को, शयन करा दिया खिला पिला करके। अब मैया मैना जी आरती करने पहुंची। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावनी, शुभ आरती सवारी सुमंगल गावनी, आरन सोहर कानी परछन चली हरहि हरहि सानी, निकट वेश रुद्रहि जग मैया आरती करने गई। दूल्हा सरकार का विकट वेश देखकर, रूप देखकर घबरा गई। कौन? मैना मैया। सोचने लगी कि इस बावले के साथ मेरी बिटिया रहेगी कैसे। सोचना अपना काम है, रहना माई का काम है। आरती किसी माई को दे दी, लौट के आई निवास में, बिटिया रानी को गोद में लेकर रोने लगी। बेटी, जिस भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर स्वरूप दिया, ये बावला पर कहाँ से रच दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए इस बबूर में कैसे लगेगा? आपको लेकर आग में जरूंगी, समुद्र में डुबकी लगाऊंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जीते जी ब्याह नहीं करूंगी। किसी माई ने पूछा कि ये दूल्हा किसने बताया? मैना जी ने कहा, ये दूल्हा नारद ने बताया है। नारद जी को मैया ने 250 सुनाया। नारद कर्मे का विकारा, भवन मौर जिन वसत उजारा, असौ पदे समहि जिन दीन, बौरे बरहिला पर घर घालक लाजन, भीरा बांझक जान प्रसव। सबकी अपनी अपनी चित्त गति है, मन गति है। भैया कह रही हैं मैना जी कि नारद जी हमारी बिटिया को न समझाते तो इस बावले के लिए वो तप कदाप नहीं करती। जीवन में एक बात हृदयस्थ रखिए, यह तो मानिए ही नहीं किसी ने किसी का विवाह कराया, कोई किसी का करा देगा। कराने वाले से प्यार नहीं होता, जिससे होना होता है उसे हो जाता है, जिससे हो गया उसी से होना होता है। सुख दुख सब जीवन के अंग हैं। कौन जानता था महाभारत कि श्री सीताराम जी का वनवास होगा? हाँ, भगवान है, भगवान वनवास ले लिए, मंगल यात्रा कर लिए, पर सामान्य व्यक्ति के लिए तो कठिनाई है ना। कितना कितना साज सजाया गया, क्या क्या ठाट सजाया गया। मंगल मौल लग्न दिनी आवा, हिमृत्व गहन मा सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोद विधि कीन। ब्रह्मा जी ने लगन विचार किया तब वनवास हो गया, कुछ कह नहीं सकते। सुख दुख तो भैया हो, माथा में लिखा है, जिसके साथ जो होना है होगा। धर्मदास दुष्ट ने ऋषिवर मार्कंडे जी से पूछा महाभारत में के ऋषिवर, जो कष्ट दुख हम लोगों ने झेला है, या दुनिया में किसी और ने भी स्वीकारा इसको? मार्कंडे जी ने राम कथा सुनाई कि ये लोग भी दुख उठाए, अकारण उठाए। कई बार किसी दुख का कोई कारण नहीं होता, कई बार दुख सकारण होता है, कई बार अकारण होता है। मेरी माँ मैना जी ने बहुत कुछ सुनाया नारद जी को, तो भगवती ने संभाला। मेरी माँ पार्वती जी ने माई
तुम ते मिटी हिक विधि के यंका मा तो दर्द जनि ले हो कलंक जनि ले हो मा तो कलंक करुणा हरि हर हो दुख सुख जो निहाली लाल हमरे सुनि वो मा वचन विनीत कोमल सकल अबला बहु भांति विदेह काहि दूषण नयन बारि विमुख हे हाँ नयन बारि विमुख हाँ हाँ नयन बारि विमुख बहुत दोष लगाती। ठीक इसी समय नारद जी वैश्य आदि को लेकर के पधारे और पार्वती मैया के सत्य स्वरूप से सबको परिचय कराए हैं। तब नारद सब ही समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा मैना सत सुनहु मम मानी जगदम्बा तब सुता भवानी अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी जनमी प्रथम दक्ष गृह जा नाम सती सुंदर तहाँ सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जगमाही एक बार आवत शिव संग देखो रघुकुल कमल भय मोह शिव कहान कीना भ्रम वसवेश सिय कर सिय वेश सती जो कीन ते अपराध शंकर हर नारद जी ने समझाया सुनाया बताया कहा हमने देखा है कई लोग तो अन्यथा सिर पीटते रहते कोई कारण नहीं रोने का बहाना चाहिए प्रसन्नता की जो शत्रुता हो अकारण रोना अच्छा नहीं है। क्यों? कभी कभी अकारण रोने वाले के साथ भगवान कारण लगावे चाहे न लगाए उसको अभ्यास हो जाता है कि हमको रोना है। आज हम रोए नहीं हो कई दिन रोए हो गया हमको तो भगवान कह लो परमानेंट हो जाओ। रोना कारण अच्छा नहीं है मगर ये कछ लेना देना मगर गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी खेवटिया से खेवटिया से मिले रहना कछु लेना देना मगन रहे कछु लेना देना मगन रहे